welcome to my class in excel program there are number of engineering functions given to us a list of all functions related to conversion of numbers under the category of engineering function is given to you all these functions listed here are discussed in separate video lectures let us start इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे दो इंजीनियरिंग फंक्शंस की दैट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम आइएगा शुरुआत करते हैं यहां पर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम और मैं यहां पर बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करूंगा फिर हेक्साडेसिमल नंबर को मैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करूंगा हमारे पास इन दोनों फंक्शंस के सिंटेक्स नीचे दिए गए हैं दोनों फंक्शंस के सिंटेक्स के अंदर एक आर्गुमेंट मैंडेटरी है और दूसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को टेक नहीं करूंगा यहां पर मेरे पास कुछ बाइनरी नंबर्स ऑलरेडी दिए गए हैं मुझे इन बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है स्टूडेंट ध्यान देंगे बाइनरी नंबर के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं और हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास सिक्सटीन डिजिट्स हैं जिसके अंदर पहले टेन डिजिट्स हमारे पास न्यूमेरिक है जीरो टू नाइन और उसके बाद हमारे पास सिक्स डिजिट्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं ए बी सी डी ई एफ सो मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल के अंदर इसकी कन्वर्जन करने जा रहा हूं तो so, मैंने यहां पर क्लिक कर दिया दिस इज इक्वल्स टू बाइंडी टू हेक्साडेसिमल मैं यहां पर फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर के केस के अंदर बाइंडी नंबर वन दे देता हूं विच इज गिवन टू आस इन सेल नंबर डी फोर स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट को इस वीडियो के अंदर टेकअप नहीं करूंगा सो आई क्लोज पेरेंथेसिस आई एंटर मेरे पास बाइंड्री नंबर वन का हेक्सा डेसिमल इक्वलेंट आ गया मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास नाइन तक तो ये नंबर आया लेकिन उसके बाद ये मेरे पास ए नंबर आ गया जिस फंक्शन को हमने यहां पर यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर लिख रहा हूं सिमिलरली मेरे पास कुछ राइट right साइड के ऊपर और ये बाइंड्री नंबर्स ये दिए गए हैं मैं इनको भी हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं सो वंस अगेन आई राइट हियर द फंक्शन बाइंड्री टू हेक्साडेसिमल द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर मैंने ये नंबर दे दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर जे फोर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को मैं टेकअप नहीं करूंगा सो आई क्लोज पेरेंथेसिस हियर आई प्रेस प्रेसेंट्रा मेरे पास बाइंड्री वन जीरो वन वन का इक्वलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बी आ गया मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन करता हूं आप देखिएगा कि यहां पर मेरे पास सी डी ई और एफ नंबर भी मेरे पास आ गए मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास बाइनरी इक्वलेंट हेक्साडेसिमल नंबर आ गए हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं स्टूडेंट अब मैं हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं और मैं इस बात को चेक करना चाहता हूं क्या यही बाइनरी नंबर आएगा इसके लिए मैं हेक्साडेसिमल के फंक्शन को यूज करूंगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर यहां पर मैंने हेक्साडेसिमल नंबर के ऊपर क्लिक कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर ई फोर पेरेंथिस क्लोज आई प्रेसेंट मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर वन का बाइनरी इक्वलेंट वन आ गया मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया स्टूडेंट ध्यान देंगे आप इन नंबर्स को इन नंबर्स के साथ मैच कर सकते हैं हमने बाइंड्री को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया फिर हेक्साडेसिमल नंबर को बाइंड्री के अंदर कन्वर्ट किया देन वी गॉट द सेम आंसर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहां पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं

इक्वल एंड 1011 आ गया मैं इसी फंक्शन को फिल हैंडल की मदद से नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ हमने यहाँ पर बाइनरी नंबर को एक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया उसके बाद फिर एक्सट्रा डेसीमल को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट किया हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ स्टूडेंट अब मैं एक और नंबर आपके सामने टेकअप कर रहा हूँ मैं नाइन टाइम्स वन वन लिखूंगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स किया नाइन टाइम्स जो मैंने वन लिखा इस बाइंड्री नंबर का हेक्साडेसिमल इक्वल एंड वन एफ एफ आ गया और वन एफ एफ हेक्सर नंबर सिस्टम का इक्वल एंड नंबर भी मेरे पास आ गया स्टूडेंट बाइंड्री को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल को दोबारा से बाइंड्री के अंदर कन्वर्ट करना जब हम ये काम मैनुअली करते थे इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जॉब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बाइंड्री को हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है या हेक्साडेसिमल को बाइंड्री के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो आप इसके लिए कंप्यूटर बेसिक्स की वीडियो नंबर ट्वेंटी नाइन को रेफर कर सकते हैं वहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रोसेस कितना लेंथी था और एक्सेल के इन फंक्शंस ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों फंक्शन अब आपको बिल्कुल क्लियर होंगे थैंक यू वेरी मच